करें भारतीय जनता पार्टी की, सब जानते हो 2014 में देश की क्या स्थिति थी। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, यानी विश्व की जो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है उसमें से एक भारत थी। ब्याज के दर ऊंचे, महंगाई की दर ऊंची, विकास का दर घटते जा रहा था, विदेशी मुद्रा बहुत कम रह गई थी। एक विश्व में भारत की तरफ हीन भावना से लोग देखते, लोगों को विश्वास नहीं था कि भारत आगे चल के कुछ बड़े काम कर सके। हम पासपोर्ट लेकर किधर जाते तो आपको याद होगा किस दृष्टिकोण से हमें देखा जाता था। एक्सपोर्ट निर्यात लगभग फ्लैट चल रहा था, कोई बढ़त नहीं हो रही। एक प्रकार से देश का मनोबल कमजोर हो गया। ये 10 वर्ष के दशक में कार्यकाल में 3 प्रमुख स्तंभ पर अपना काम किया देश को आगे बढ़ाने के लिए। 3 प्रमुख स्तंभ पर उन्होंने देश के लिए सेवा करी, योगदान दिया। पहला, उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कठोर कदम उठाए, गुड गवर्नेंस हर एक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया, गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों अनेक योजनाएं लाए और भारत को एक कमजोर फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में लाने का काम किया। कई सारे कदम उठाए, GST, वन नेशन वन टैक्स, एक सरल व्यवस्था। शो लग रहा था कि क्या हुआ, आज हम जिधर जाते लोग कहते हैं हमारा व्यापार बढ़ा है, हमारा उद्योग बढ़ा है, हमारा निवेश बढ़ा है। एक सरल व्यवस्था देश भर में GST लागू होने के कारण भ्रष्टाचार मुक्त। केंद्र सरकार में आपके 10 वर्ष में एक भी कोई गलत काम होते हुए नहीं सुना। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, व्यवस्थाओं को सरल करना, कानूनों को सरल करना। अकेले इस 10 वर्ष में 40,000 कंप्लायंस, जो प्रोसीजर्स थे, सरकारी फॉर्म भरने पड़ते थे, रिपोर्ट देनी पड़ती थी, अलग अलग कानून को सरलीकरण किया। वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हमारी पूरी कोर कमेटी इसके अंदर 12-15 लोग है, ठीक है। अभी 2014 से देखने को जावे तो हमारा आदर्श परिवार और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है गूगल के नक्शे पे शाइन मार रहा है, क्योंकि वोट कहाँ जा रहा है सबको पता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा इस टाइम को ज़्यादा शाइन करने के लिए हम लोग ने मीटिंग लगाई है। आपके पीयूष गोयल जी यहाँ पे खड़े रहे हमारे यहाँ सर। सेकेंडली, मोदी जी का जो सपना है 400 पार, तो उसके अंदर हमको ये देखना है, मेहनत करना है सबको मिल के, कि पूरे यंगस्टर्स को और फर्स्ट टाइम वोटर्स को एजुकेट करना है, नॉलेज देना है, ताकि 400 पार के अंदर हमारे आदर्श परिवार का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको चाहिए, ठीक है। तो आज की मीटिंग में ज़्यादातर हम लोग यंगस्टर्स को भी बुलाया है एजुकेट करने के लिए, बिकॉज वो लोग का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो लोग एजुकेट होएगा तो समाधान होएगा, समाधान होएगा तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, कहाँ वोट जाएगा पता है सबको। तो इस बार हमको मोदी जी का सपना पूरा करना है, 400 पार लाना है 4 जून को। सर, कार्यक्रम जिस तरह से देखा गया है कि हॉल में या कहीं मैदान वगैरह में होता है, लेकिन पर्टिकुलरली आपके इस आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन में आ रहे हैं, बीजी क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का उनका आपसे कॉन्टैक्ट हुआ? देखिए, ऐसे तो बेसिकली हम लोग इधर 15-20 सालों से आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कार्यक्रम हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कोई ना कोई जो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम रहता है हमारे बिल्डिंग रुस्तम जी आदर्श हेरिटेज में यहाँ पे होता है, तो हमारा हेरिटेज का भी टीम वर्क बहुत बढ़िया है। 15-20 हम लोग फैमिली हैं यहाँ पे, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। हम लोग ने नक्की किया सब में मिल के कि हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास जगह भी काफ़ी अच्छी है और सबका सपोर्ट भी अच्छा है, तो वो हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट हमको ज़्यादा रहता है। तो सर, जिस तरह से आपने अभी कितने लोग की उपस्थिति हो सकती है यहाँ? 300-400 लोगों की उपस्थिति हो सकती है यहाँ पे। उसी की तरह हम लोग ने वो चेयर की अरेंजमेंट की है, खाने पीने की व्यवस्था भी किए हुए, देखते हैं अभी 8 बजे। सर, अच्छा, इसमें 300-400 जैसे आपने कहा है, क्या वाकई में अब इस बार जलवा दिख सकता है?
नरेंद्र मोदी जी का चार्ज जिस तरह बात चल रही उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस बार 2024 का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है, 2029 की तैयारी करनी है, 2024 कंफर्म है। संसद गोपाल सेट्टी ने 4 से 5 लाख जिस तरह से लीड की थी, क्या वाकई में पीयूष गोयल का भी जलवा यहाँ पे दिखेगा? 100% दिखेगा, 100% दिखेगा, बिकॉज यहाँ की जनता को पता है, यहाँ के एरिया के सब लोगों को पता है ये बीजेपी के जो काम करने का तरीका है, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, यंगस्टर्स के लिए, स्लम्स के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं लोगों ने, दिखता है रिजल्ट, दिखता है। 100% पीयूष जी उसके आगे जाएंगे। उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल को किस तरह से सपोर्ट करना चाहेंगे? जैसे हम लोग अब तक गोपाल जी को सपोर्ट करते आए हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा अभी यंगस्टर्स वोट बढ़ गए हैं, तो देखते हैं कि भाई यंगस्टर्स का भी व्यू लेंगे इसके अंदर। अभी और 20 मई तक हमको काम करना है, उसके पहले सबका व्यू लेके देखेंगे कैसे सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं। कोशिश पूरी चल रही है हमारी। थैंक यू सर। 2014 से हम लोग ने देखा पूरा अपना आदर्श परिवार, अपना वार्ड, अपना पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी गूगल नक्शे पे साइट मार रहा है। हम लोग ने सच में 2014 से लेके अभी तक गोपाल भाई को फुल सपोर्ट दिया है। गोपाल भाई ने बहुत बढ़िया आगे, हमारी जवाबदारी और बढ़ती है क्योंकि हम लोग को यंगस्टर्स और नए वोटर्स को एजुकेट कर रहा है। मोदी जी का जो सपना है 405, उसके अंदर आदर्श परिवार और का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। और पीयूष जी को 4 जून को 400 पार करके अपने को भारी बहुमति से उनको विजय कराना है। धन्यवाद, सभी महापुरुषों का धन्यवाद।